महिला ने घाटमपुर सीओ के बेटे पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। आरोप है कि पुलिस ने मामले में जबरन समझौता करा दिया था, लेकिन गवाही देने वाले युवक पर सीओ ने एक्शन शुरू कर दिया है। जिस मुकदमे में उसे क्लीन चिट मिल चुकी थी, पुलिस ने दोबारा जांच शुरू कर दी है। अब पीड़िता ने सोमवार को आईजी रेंज के सामने पेश होकर न्याय की गुहार लगाई है। आईजी ने सीओ घाटमपुर के खिलाफ जांच दोबारा बैठा दी है। आपको बता दें, न्यू आज़ाद नगर सतबरी रोड निवासी एक महिला का आरोप है कि घाटमपुर सीओ तेज बहादुर सिंह के बेटे अंशु सिंह ने उनके साथ छेड़खानी की थी। वही महिला ने मामले में बिधनु थाने के न्यू आज़ाद नगर चौकी में सीओ के बेटे के खिलाफ तहरीर दी थी। आरोप है कि सीओ के बेटे से जुड़ा मामला होने के चलते बिधनु थाने की पुलिस ने जबरन समझौता करा दिया था। अब सीओ तेज बहादुर का उनके ही कार्य क्षेत्र में तैनाती हो गई है। सीओ ने बदला लेने के लिए क्लीन चिट मिल चुके दो मुकदमे की जाँच दोबारा शुरू कर दी। वही दोनों मुकदमे में चार्जशीट लगाने के साथ ही गुंडा एक्ट की कार्यवाही करना चाहते हैं। पीड़िता ने आईजी रेंज प्रशांत कुमार से सोमवार को मिलकर पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराई है। वहीं आईजी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए मामले की दोबारा जांच बैठा दी है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मामले में आगे भी कार्यवाही की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, आईपीएन।